नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 18 सितंबर 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम अपने कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन बन गया है, तो यह SBI बैंक बन गया है। वहीं अगर बात किया जाए तो पहला बैंक कौन है, तो HDFC बैंक है, और दूसरा बैंक ऐसा करने वाला कौन है, तो ICICI बैंक है। SBI बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि SBI बैंक के CFO को हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो चरणजीत सिंह अतरा को नियुक्त किया गया है। और SBI के प्रबंध निदेशक कौन है, तो स्वामीनाथन जानकी रमण है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में बन रहा है, तो यह हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी में बन रहा है। और राखीगढ़ी का संबंध किससे है, तो राखीगढ़ी का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता से है। अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राखीगढ़ी के उत्खननकर्ता कौन थे, तो अमरेंद्र नाथ थे। ठीक, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को में शामिल होने वाला नवीनतम शहर कौन है, तो धौलावीरा है। कौन सा शहर है, तो धौलावीरा है। और ये धौलावीरा कहाँ का है, तो ये धौलावीरा गुजरात का है। ठीक है, वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला गया है, तो आप बताएंगे लोथल में खोला गया है। और ये लोथल, इन सभी स्थल जैसे राखीगढ़ी, लोथल और धौलावीरा, इन सभी का संबंध किससे है, तो हड़प्पा सभ्यता से है। और लोथल कहाँ पे है, तो लोथल भी आपका गुजरात में है। कहाँ पे है, तो लोथल भी आपका गुजरात शहर में, जहाँ पे हाल ही में समुद्री संग्रहालय खोला गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि रजनी के मंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो रजनी के मंत्र पुस्तक के लेखक PC बाला सुब्रमण्यम है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोजार्ड मारी जने द्वारा हाल ही में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो विल पावर है। वहीं अगर बात की जाए सौम्या सक्सेना द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है, तो सौम्या सक्सेना द्वारा लिखी पुस्तक का नाम डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो यह विराट कोहली बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में देश में पहले स्थान पर कौन है, तो अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। और 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है, और 15 सितंबर को ही लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि वेदांता फॉक्सकॉन किस राज्य में सेमीकंडक्टर बनाएगा, तो यह गुजरात में बनाएगा। ठीक है, और ये वही गुजरात है जहां पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। क्या है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और ये वही गुजरात है जहां पे क्या बनाया जाएगा, तो अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और ये वही गुजरात है जहां पे भारतीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हाल ही में कहां किया गया है, तो ये गुजरात में ही किया गया है। और खेल महाकुंभ का आयोजन भी कहां किया गया है, तो इसी गुजरात में किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि दो दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी कहां शुरू की गई है, तो यह राजस्थान में शुरू की गई है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि UAE की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो यह शाहरुख खान को नियुक्त किया है। ठीक है, और ये शाहरुख खान को पहला गोल्डन वीजा भी UAE के द्वारा दिया गया था, उसके बाद से संजय दत्त को दिया गया है। वहीं अगर बात किया जाए आलिया भट्ट, तो आलिया भट्ट किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, तो टाइटन रागा, जो घड़ी आती है ना टाइटन रागा की, तो टाइटन रागा की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है, यह HDFC बैंक
बन गया है। और HDFC बैंक के CEO कौन है, तो HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीश हैं, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। उसके पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर ले। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको ज्वाइन कर लेंगे तो क्लास की सभी PDF आपको यहीं पे मिलेगी। हमारा आज के करंट अफेयर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा, तो यह तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, यानी कि वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को तेलंगाना विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। वानिकी विश्वविद्यालय भारत में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा और विश्व स्तर पर यह रूस और चीन के बाद तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में वानिकी कॉलेज और अनुसंधान संस्थान का विस्तार करने का निर्णय लिया है और FCRI को एक पूर्ण विश्वविद्यालय में बदल दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है, तो यह दिल्ली पुलिस बन गई है। ठीक है, यानी कि दिल्ली पुलिस 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। देखिए 6 साल से अधिक सजा वाले में ही फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रहण किया जाएगा। ठीक है, और बता दें कि यह सजा दर बढ़ाने और आपराधिक न्याय प्रणाली को फॉरेंसिक जांच विज्ञान के साथ एकीकृत करने हेतु किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली है, तो यह पश्चिम बंगाल को मिला है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर को मिला है। ठीक है, अगर वही बात किया जाए कर्नाटक में, तो कर्नाटक में कौन कौन से अभयारण्य हैं, तो याद रखिएगा कर्नाटक में बांदीपुर और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, वही अगर बात किया जाए तो असम का सबसे प्रसिद्ध उद्यान कौन है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही अगर बात की राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान में मुकुंद्रा हिल्स है, मुकुंद्रा हिल्स मतलब राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, तो आप इसे याद रखेंगे। कर्नाटक में कौन कौन है, तो बांदीपुर और बनेरघट्टा, असम में काजीरंगा, राजस्थान में मुकुंद्रा हिल्स, और पश्चिम बंगाल में क्या है, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिल गया है। यानी कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है, जबकि कोलकाता के अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन को चौथा स्थान हासिल किया है। यानी कि अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है, तो कोलकाता में है। ठीक, और देश में करीब 150 चिड़ियाघर हैं और सूची के अनुसार चेन्नई में अरिंगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके बाद कर्नाटक के मैसूर में श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा, तो यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। और यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो याद रखिएगा यह MP में है। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में। वही अगर बात किया जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहां पे है, तो असम में है। और बांदीपुर कहां पे है, तो बांदीपुर आपका राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। कहां पे है, तो कर्नाटक में है। वही अगर बात किया जाए ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान का, तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहां पे है, तो महाराष्ट्र में है, इसे आप याद रखेंगे। यानी कि भारत में 70 साल बाद फिर से चीतों की वापसी होगी और देश से लुप्त हो चुके चीतों को नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा जाएगा। नामीबिया की राजधानी विंडहोक से 8 चीते भारत आ रहे हैं। इस दौरान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और चीते विशेष मालवाहक विमान से लाए जा रहे हैं, जो विशेष रूप से बोइंग 747 को तैयार करके बनाया गया है और इस विमान पर चीतों का मुंह प्रिंट किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो यह रोजर फेडरर ने किया है। और ये रोजर फेडरर कहाँ के हैं, तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक, वही अगर बात किया जाए राफेल नडाल, तो राफेल नडाल कहाँ के हैं, तो राफेल नडाल स्पेन के हैं। और नोवान जोकोविच ये कहाँ के हैं, तो नोवान जोकोविच सर्बिया के हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रेंच ओपन और आपका विंबलडन ओपन किताब किसने जीता है, तो फ्रेंच ओपन तो राफेल नडाल ने जीता है, विंबलडन किसने जीता था, तो नोवान जोकोविच ने जीता था। यानी कि टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा कर दी है और रोजर लेवर कप 2022 के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लेंगे। और फेडरर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए ये ऐलान किया था। 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीन खिलाड़ियों में से एक हैं, तो वो तीन खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो ये जो ऑप्शन है ना, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, ये तीनों खिलाड़ी अपना 20-20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और रोजर फेडरर के नाम स्विट्जरलैंड में सिक्का चलाया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस टेनिस खिलाड़ी के नाम स्विट्जरलैंड में सिक्का चलाया जाता है, तो आप बताएंगे रोजर फेडरर के नाम चलाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर बात की जाए 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर को क्या मनाया गया है, तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया है। और इस बार की विश्व ओजोन संरक्षण दिवस की इस बार की थीम क्या रही है, ये आपको कमेंट करके बताना है। वहीं अगर बात की 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। यानी कि हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रोगियों, परिवारों, देखभाल करने वालों, समुदायों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल नेताओं और नीति निर्माताओं को रोगी सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए एक साथ लाता है। और हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है, तो यह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ने ऐसा किया है। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई है, तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ है। ठीक है, 1 दिसंबर 1965 को हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान के महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान के महानिदेशक पंकज सिंह है। कौन है, तो पंकज सिंह है, आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो बीएसएफ की जो महिला ऊंट है, इसे कहां पे तैनात किया जाता है, तो इसे राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा। ठीक है, और 1 दिसंबर को यह दस्ता अब पहली बार बीएसएफ स्थापना परेड में हिस्सा लेगी। ठीक, बीएसएफ की स्थापना कहां हुई है, तो 1 दिसंबर 1965 को हुआ है। मुख्यालय कहां पे है, तो नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक कौन है, तो पंकज सिंह है। हमारा अगला प्रश्न है कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करने के लिए एससीओ की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है, तो यह पाकिस्तान ने ग्रहण की है। ठीक है, भारत ने इसका स्थान ग्रहण किया है। यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करने के लिए एससीओ की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है, तो यह भारत ने ग्रहण किया है। ठीक है, यानी कि 16 दिसंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। ठीक है, और सदस्य देश आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी संगठनों की एक एकीकृत सूची बनाने के लिए सामान्य सिद्धांत और दृष्टिकोण को विकसित करना चाहते हैं। एससीओ की स्थापना कब हुई है, तो एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बीजिंग यानी कि चाइना में है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्मार्ट एड्रेस वाला भारत का पहला शहर कौन बनेगा, तो यह इंदौर बनेगा। और ये वही इंदौर है जहाँ पे भारत का पहला
वाटर प्लस सिटी भी बना था और ये वही इंदौर है जहां पे भारत का सबसे बड़ा रनवे स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, यानी कि इंदौर पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर है और इंदौर स्मार्ट सिटी के सीईओ ने पता और पट्टा नेविगेशन फॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ये रहा दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे अपने लास्ट छः महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है, तो संदीप नायर को मिला है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में मलेशिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर 2022 को मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है, तो यह सिक्किम सरकार ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने कक्षा एक से पांच तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो यह धर्मेंद्र प्रधान ने की है। और यह धर्मेंद्र प्रधान कौन है, तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो यह मेडागास्कर के साथ समझौता किया है। और यह मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है। एक मेडागास्कर क्या है, तो एक द्वीपीय देश है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों या अन्य के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया है, तो यह झारखंड सरकार ने कर दिया है। कौन किया है, तो झारखंड सरकार ने किया है। और झारखंड सरकार के सीएम कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कहां भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो यह हैदराबाद में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा, तो यह रांची में किया जाएगा। क्या किया जाएगा, तो किस भारतीय शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा, तो यह रांची में किया जाएगा। और रांची कहां पे है, तो यह झारखंड की राजधानी रांची है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, तो यह पिंगली वेंकैया को सम्मानित करने के लिए एक डाक टिकट जारी किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के तंजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो यह तमिलनाडु के लिए किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने चिराग योजना शुरू की है, तो यह हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मुलग मेडल पाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये अजिंक्य रहाणे बने हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो आप लोग के लिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।